फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है दक्ष क्रांति। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइएगा। मैं रोज की तरह स्कूल की तरफ निकल चुका हूँ, बस स्टॉप की तरह। यहाँ पर मम्मी भी आती हैं, वो भेज रखे दो ब्रिटानिया के एक। वो इतने बड़े बड़े एक ब्रिटानिया केक इतना बड़ा था और इतना चौड़ा था। तो हाँ, तो मज़ा आएगा खाने में। दो दो भेज चुके हैं, मैं तो आराम से आ देते हैं। सेब है, अनार नहीं था कल भेजा तो था अनार नहीं, आज भी आज मैंने एप्पल काट दिया। रोज अनार भेजना, मुझे अनार ही अच्छा लगता है। दो तीन दिन बाद फाइनल एग्जाम शुरू नहीं होंगे, शुरू हो जाएंगे दो तीन दिन बाद थोड़ा होगा, अभी तो बहुत टाइम है। जो भी है, दो चार पाँच दिन ही कहेंगे उसको। कितना टाइम है? 10-12 दिन नहीं, 10-12 ही है बेटा, 4-5 दिन ही है बस। अच्छा, तो अभी तो मैं निकलता हूँ, फिर बाकी का ब्लॉग घर में। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में सकुशल होंगे, हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग इस प्रकार है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा लेट नहाया है, लेट पूजा करी है। वो इसलिए करी है क्योंकि क्या कहते हैं, ठीक नहाते टाइम पर जो है लाइट चली गई थी, गर्म पानी नहीं था। और मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, मैं एक बार अपने बाल से ही कर देती हूँ। हाँ जी, तो जो था कि लाइट चली गई थी, लाइट बहुत लेट में आई। फिर जब लाइट आई तो फिर मैं फ़ोन में बात कर रही थी मम्मी से, काफ़ी देर तक बात भी हुई। फिर मैंने व्लॉग भी एडिट कर दिया, और बैठो तो फिर फ़ोन में लगो तो वैसे ही हो जाता है ना। और मैंने अपने बाल क्या सही करे, बाल तो वैसे ही है मेरे। खैर जो भी है, जैसा भी है, तो दिन की शुरुआत जो है कब का हो चुकी है और काफ़ी टाइम भी निकल चुका है। दक्ष जा चुका है स्कूल, उसकी मुलाकात आप लोगों से हो चुकी है। आज मैंने पहना है सूट, कुर्ती पहनी है आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद। अदरवाइज़ मैं घर में जो है कुर्ती पहनती नहीं हूँ, बहुत टाइम के बाद आज मैंने कुर्ती पहनी है। तो बस इसी तरीके का अपना दिन है। आज एक पार्सल और आने वाला है मेरा, देखते हैं उसमें मैंने क्या मंगाया है, क्या आया है। और बस यही अपना दिन है। चाय भी मैं पी चुकी हूँ, 2 चाय पी चुकी हूँ एक्चुअली आज, तो चाय भी मुझे नहीं पीनी है, ब्रेकफास्ट भी मेरा करने का मन नहीं है। शाम को जो है मैं कुछ फ्रूट्स लेने के लिए बाहर जाऊँगी क्योंकि कल है शिवरात्रि। हाँ जी, जब तक आपको ये ब्लॉग दिखेगा तब तक शिवरात्रि हो चुकी होगी, बट अभी कल है शिवरात्रि, हमारा ब्लॉग लेट आएगा, तो उसके लिए कुछ फ्रूट्स या बेल पत्र वगैरह सब चीज़ें लेने जाना पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह हम जल्दी मंदिर चले जाएंगे, तो इतनी सुबह कोई दुकानें खुली नहीं रहेंगी, इसलिए सारा सामान जो है आज ही लाके मुझे रखना पड़ेगा। तो शाम को जाऊंगे, जिस भी टाइम जाऊंगे, जैसा भी होगा देख लेंगे जब भी जाएंगे। तो बस जो भी होगा आप लोगों से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जी, अभी दक्ष के आने का टाइम होने वाला है, अब मैं उसके लिए जा रही हूँ पराठे बनाने के लिए। वही पनीर का और आलू का ही पराठा मैं उसके लिए बना रही हूँ, जो सुबह मैंने उसके लिए टिफिन में बनाया था आज। और अभी मैं निकाली थी उधर वाले रूम में कपड़े, निकाली थी कल सुबह मंदिर जाने के लिए अपने लिए सूट और दक्ष के लिए कुर्ता पजामा निकाली थी। साड़ी देखो, मैं ना सुबह बहुत जल्दी मंदिर चल जाऊँगी, साड़ी और मेरे पे ना कोई इस टाइप की साड़ी भी नहीं है, हल्की फुल्की की, मतलब मेरे पे साड़ियाँ ही नहीं है, 3-4 ही साड़ी है मेरे पे कुल मिला के, और वो हैवी है थोड़ा सा मंदिर में। और शिवरात्रि के दिन इतनी भीड़ रहती है कि खुद को संभालना मुश्किल होता है, साड़ी तो बहुत दूर की बात है। तो मैं सूट ही पहन के जाऊँगी, सूट निकाला है मैंने अपना, उसको प्रेस करना है। सुबह से इतनी लाइट आ रही जा रही है बार बार की, मतलब क्या ही बताऊँ, आ कमरी है जा ही ज़्यादा देर तक रही है। तो और यहाँ बाहर कहीं गाने वाने भी चले थे, अभी गाने बन रहे हैं, इसलिए मैंने ब्लॉग भी कुछ शूट नहीं करा। वैसे कुछ शूट करने के लिए था भी नहीं, बस यहाँ पर सारी चीज़ों की प्रिपरेशन मैंने कर रखी है। थोड़ा सा पनीर और आलू और है, इसको मैं कद्दूकस करके दक्ष के लिए पराठा बना दूंगी, अभी वो बस आने वाला होगा। तो फटाफट से ये सब कर लेती हूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। कैसे हो? बढ़िया, आई एम फाइन थैंक यू। जूते देखो इसके, बच्चा हो रहे हैं। कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया, आज इतने किस तैयार होके क्यों बैठे हो? तैयार हुई हूँ मैं, दिख रहे हो मैं इसमें? हाँ तैयार का हुई हूँ, घर के कपड़े तो पहने, कुर्ती पहनी है आज। आपको दिखा, टिफिन खाया? हाँ आपको दिखा रहा, कैसे तैयार हो रखी है पूरी, देख सकते हैं आप। बस हो गया रखी, ये बता कि टिफिन खाया, कैसे बने थे पराठे? शांतनु नहीं आया था ना आज, उसका बाद में मैसेज आ गया था नहीं आ रहा हूँ। क्यों? पता नहीं, मैं क्यों पूछती, बहुत देर में आया था। और कुछ रिवीजन वर्क, टेस्ट, कुछ वर्क वगैरह कुछ हुआ? हाँ। कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट लिया? इंग्लिश? हाँ इंग्लिश का लिया, और कंप्यूटर का लिया, हिंदी का लिया, SST का लिया। कैसा गया फिर सबका? बढ़िया, मैथ्स का भी लिया। सबका बढ़िया गया? कॉपी भर गई होगी फिर आस्था वाली, फिर से वाली कॉपी भर गई होगी फिर से, जो कॉपी ली थी हमने।
टाइम अभी भर गया। टाइम है हाँ। पराठे से पेट भर गया था। पराठे से पेट भर गया था। कल सुबह मंदिर जाने के लिए रेडी? हाँ। और मैंने एक चीज सोची है। क्या? कल तू भी व्रत लेगा शिव जी का, शिव शंभू, तेरा वैसा वाला टीका लगाऊंगी। इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आराम से टूट जाता है। देखिए मेरे नाक के बराबर है इसमें लाल। मैंने वही बना रखा आलू और पनीर के पराठे अभी चटनी के साथ, ठीक है? और वो केक सही हो रहे थे। चलो चेंज करो फिर कपड़ा जाओ। चलो चलो करो तो फ्रेंड्स एक और यहाँ पर पार्सल आ चुका है मेरे रूम का। दक्ष के रूम के लिए मंगाया हमने। ये है इसके। ये वे सही लग रहा है। हाँ ऐसे हैंग कर दी थी। हाँ हैंग कर दूँ? हम्म। अच्छा लग रहा है, तुझे पसंद आया? हाँ। आप लोग बताना कैसा लगा ये। ठीक है तो जी ये मैंने यहाँ पे टांग दिया है। ये दक्ष का जो है यहाँ पे बुक्स वाला है, बुक्स का टेबल है तो इसके ऊपर टांगा है मैंने। बड़ा ही सुंदर लग रहा है। मैं और मंगाती हूँ इसको अंदर वाले रूम के लिए भी। ऐसा मुंह बना रहा है। चलो बाय। बाय बाय। दोस्त के साथ खड़े मत रहना, घर आना सीधे। हाँ बाय। तो जी सुबह मंदिर जाने की तैयारियां हो रही है और देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने लोटा, देखिए मैंने क्या चमकाया है। ये देखो, आपको लग रहा है ये पुराना लोटा है करके? ये देखो ये बिल्कुल, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो ये हमारा पुराना लोटा है। इसको मैंने ऐसे धो के ऐसे चमका, ये ऐसा हो गया था ना काला। ये देखो ये दक्षिण ने गिरा दिया था तो इसमें गड्ढा पड़ गया था। ये इतना काला था, अंदर से इतना साफ नहीं हुआ, बट ये देखो इन्हें बाहर से इतना मस्त इसको चमका दिया। दूसरा वाला दिखाती हूँ। ये देखो ये वो लोटा है जिससे दक्ष जल चढ़ाता है सुबह सूरज भगवान को, ये उसका है। और ये मेरा तुलसी में चढ़ाने वाला है। तो खैर लोटे से तो नहीं, डब्बा ले जाएंगे हम बड़ा वाला। ये घर में के लिए है, घर के लिए चाहिए, घर में के लिए चल, घर में शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, तुलसी को जल चढ़ाने के लिए चमकाया है। मंदिर में तो क्या होता है, मंदिर में ऐसा होता है कि ये लोटा हम ले जा नहीं सकते, इसमें जल भी थोड़ा सा आता है और फिर गिरने वाने का डर रहता है। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में या कहीं भी होता होगा शायद, इसमें स्टील के बर्तन में भी जल ले जाते हैं। तो इसमें मैं सब कुछ ले जाऊंगी सुबह, जल, गंगा जल, और मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे गंगा जल भी, तो ये सारी चीज़ें ले जाऊंगी। और बस ऐसी तैयारियां चल रही हैं छोटी मोटी, जैसे दिए हैं, लाइक ये दिया है, दिए वगैरह धो के रख दिए, यही सब चीज़ें चल रही हैं और कुछ नहीं। बाकी सब प्रिपरेशन सुबह ही होगी। और दक्ष गया खेलने, अभी वो खेल के आएगा, उसके बाद हम जाएंगे चौराहे तक फ्रूट्स बेलपत्र वगैरह लेने, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी दुकान खुली नहीं रहेगी ना इसलिए। फ्रेंड्स मम्मी और मैं अभी बाहर आके फ्रूट्स लेने, और मम्मी और मेरा आइसक्रीम खाने का इतना मन कर रहा था ना कि फेब्रुअरी चल रहा है और हमने आइसक्रीम ले ली, आइसक्रीम ले ली, वो भी इतने बड़े मॉल में गए खाली ये दो आइसक्रीम लेने, मैग्नम लेके। तो फ्रेंड्स अभी बहुत टाइम बाद ये कम कम निकालो, मैंने बोला था ना कम निकालना करके, कम करो उसको, नहीं खाया जाएगा जब ज्यादा चॉकलेट। और मुंह देखो इसको जरा, मुंह में इतनी आइसक्रीम लगी हुई है, आइसक्रीम खाई थी हमने। हाँ टेस्ट कर पहले, चम्मच उसी में मत डालना, अच्छा लगेगा तो दूसरी चम्मच दूंगी। कैसा हुआ इसका टेस्ट? कैसा है चॉकलेट के जैसा? क्या था उसका नाम? फरेरो? क्या फरेरो चॉकलेट जैसा? फाइव स्टार जो गोले वाले चॉकलेट। अच्छा तो जी इधर बन रही है आलू मटर की सब्जी, इधर रखा है चावल। आज हम आलू मटर की सब्जी बढ़िया सी बिना लहसुन प्याज वाली, टमाटर वाली वो खाएंगे। और ये देखिए इनको देख के तो क्या गजब ही मजा, देखो अभी सूखने के बाद और ज्यादा चमक रहे हैं। कोई कहेगा ये इतने ये पुराने लूटे हैं बहुत ज्यादा इतने चमक रहे हैं। और बस खाना वाना खाएंगे, दक्ष उधर कर रहा है पढ़ाई और ये सब कर कुर के अब मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, कपड़े चेंज कर लिए, नाइट सूट पहन लिया है मैंने अपना, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था सूट में, तो बस यही सब है, ये सब निपटा के बैठती हूँ आराम से, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। एक कॉपी तो रख दी मेरी, पढ़ाई होगी, मैंने मम्मी को सुना दिया और पूरा अच्छा सुनाया। मम्मी अभी किचन में है और आप, अरे
फ्रेंड्स लोटो को देखिए, मम्मी नए खरीदे ना, नए खरीदे ना, नहीं पुरानी है ये पुरान, ये इतने ज्यादा काले थे ना, पूरे काले थे, पता ही नहीं चलता था ये सब भी। और मम्मी ने इसको अच्छे से चमका दिया इस बार पे न्यूटेला का चम्मच। अभी दूंगी, पहले भात खा लेता। हाँ। आज हमने भात बनाया। इसका डब्बा देख के अच्छी फीलिंग आती है। आराम से रख, काश का डब्बा आटा पाएगा जो भी जाएगा। प्लास्टिक का समझ था, भूल गया था। और यहाँ पर भात है ये, मटर की सब्जी। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, दूसरा दिन है ये, और कल रात को मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:15, दिख रहा होगा आप लोगों को। 4 बजे मैं उठ गई थी, ब्रश वगैरह किया है मैंने, झाड़ू लगाया है घर में, थोड़ा डस्टिंग किया। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, उसके बाद पूजा लगाऊंगी ना, दक्ष को उठाऊंगी, पूजा वूजा करके फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। आज शिवरात्रि, आप सब लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये ब्लॉग बाद में देखने के लिए मिलेगा, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।